प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूँ और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। जय श्री राधे। प्रिय साथियों, सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व है। आपके कोई भी समस्या हो, चाहे व्यापार नहीं चल रहा हो, धन की समस्या हो, पितृदोष हो, या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, घर में कलह रहता हो, या हर कार्य में कोई ना कोई विघ्न आता हो, या आपका मन परेशान रहता हो, तो सोमवती अमावस्या का दिन आपके लिए बहुत खास है। प्रिय साथियों, सोमवती अमावस्या के दिन किए उपायों के विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस दिन का देखिए बहुत विशेष महत्व होता है। जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, और हम सभी यह जानते हैं कि इस दिन जो है चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। देखिए, अभी सोमवती अमावस्या जो है 20 फरवरी को है, तो इस दिन जो है आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय कर सकते हैं। प्रिय साथियों, मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम ये समझते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच का है, या पापी ग्रहों के प्रभाव में है, और यदि आपका मन किसी न किसी उलझन में लगा ही रहता है, आपको छोटी छोटी बातों पर यदि टेंशन हो जाती है और गलत विचार गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है। देखिए, सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन आती है, इसलिए इस दिन जो है शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें और काले तिल अर्पित करें। इस दिन जो है आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। इस दिन भोलेनाथ के मंदिर में साफ सफाई करें और भगवान का ध्यान अवश्य ही करें। ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत सकारात्मक हो जाएगी, और यदि आपका मन भी यदि किसी न किसी उलझन में रहता है, परेशान रहता है, तो इसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, सोमवती अमावस्या के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के प्रभाव में है या पापी ग्रहों के प्रभाव में है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करें और बहते जल में नारियल बहाएं। प्रिय साथियों, सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही ओम पितृभ्यः नमः इस मंत्र की एक माला का जाप आपको करना है। कम से कम एक माला का जाप करें, और इससे अधिक भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष पर पीले रंग के धागे को 108 बार परिक्रमा करके बांधें, यानी परिक्रमा करते जाएं और पीले रंग का धागा पीपल के पेड़ पर बांधते जाएं, 108 परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा यदि संभव हो तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। देखिए, ये उपाय करने से जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्याएं दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन शाम को जो है आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए पिंडदान करें और तर्पण करें, और सोमवती अमावस्या पर अपने स्नान के जल में थोड़ी सी दुर्वा और काले तिल डालकर स्नान करने से नौ ग्रहों की शांति होती है। मेरे प्रिय साथियों, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप किसी पात्र में कच्चा दूध, जल, पुष्प, अक्षत और गंगा जल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में दाएं हाथ से दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अर्पण करें, लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, गो सेवा करें, गायों को हरा चारा डालें। देखिए, यह तो आप रोज का नियम ही बना लें, प्रभु कृपा अवश्य रहेगी। उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे। जय श्री राधे।